अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों इस वक्त मैं नाला स्टॉप से लेकर अल्लाह वाली चौरंगी तक जो दुकान है नाले के ऊपर बनी हुई है जो कि केएमसी के मुताबिक और गवर्नमेंट के मुताबिक इल्लीगल है। यहाँ पर काफी दुकानें जो है ना कमर्शियल है और काफी घर भी जो है ना यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है। तो यहाँ पर कुछ खवातीन और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है कि उनको जो है ना नोटिस दिए गए हैं और उन नोटिस के बाद गवर्नमेंट ने क्या इनके लिए कोई मुतबादिल जगह दी या नहीं दी, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं बेवा हूँ, बेऔलाद हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। यहाँ मैं रह रही हूँ छोटे से घर में। बेटा ऐसी जगह पे रह रही हूँ कि बारिश का हम लोग सब बेआराम है, लेकिन छत छुपाने के लिए बेटा जगह है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं घर बना सकूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई छत ले सकूँ, ना किराया देने के काबिल हूँ। बेटा जगह जगह घर घर में काम करती हूँ तो दो वक्त की रोटी खाती हूँ। बेटा मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे थोड़ी सी कोई ऐसी जगह दे दी जाए जो मैं अपना बेटा रोजी रोजगार चला सकूँ, रह सकूँ। बेटा अल्लाह की रजा के लिए बेटा मेरा साथ दो, यहाँ बहुत गरीब आबादी है बेटा, खुदा के लिए हम पर रहम करो, अल्लाह की रजा के लिए हमारी मदद करो, अल्लाह इसका अजर देगा मेरे भाई। तकरीबन 1100 के करीब जो है ना, या 1100 से ऊपर भी जो है ना दुकानें जो है ना तोड़ने का नोटिस है। 1100 का मतलब है अगर एक घराने के अंदर 5 अफराद लगाए जाएं तो कितने अफराद जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इनको नैमुल बदल दें और उसके बाद इनको वहां पर बसाया जाए, उसके बाद इस कार्रवाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तोड़ने की। पहले इनको नैमुल बदल दिया जाए। अब देखते हैं एक और खातून क्या कहती है। जी हाँ, हम गरीब ही हैं और यहाँ नाले पे ऐसे ही थोड़ी बड़े गरीब है तो खड़े हैं ना, अगर हमारे इतना होता तो हमने क्या नाम है दूसरी जगह पक्के पे जाते, है ही नहीं, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो महंगाई ने खा दिया, बच्चों के काम वाम कुछ नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद पहले ये दुकानें थोड़ी सी पीछे हुआ करती थी, उसके बाद 1992 के अंदर इनको इस रोड को निकाला गया, इनको पीछे कर दिया गया। 53 साल से इनको तीसरी दफा पीछे हटाया गया और अब इनको चौथी दफा में सफा हस्ती से मिटाने का प्रोग्राम है। तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए पहले नेबुल बदल दे ताकि जो है ना काफी लोग जो है ना बेरोजगार ना हो जाएं, एक बहुत बड़ा अलमिया पैदा हो सकता है। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, आगे की क्या सूरत है। मेरी दरख्वास्त है खुदा के लिए हम गरीब आवाम को हमारा साथ दें, वरना बेटा हमारी हाय हमारी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। बेटा हम मुसलमान हैं, हम पर रहम करो बेटा, अल्लाह के नाम पे। चले दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। जी बताएं, ये आपकी दुकानें जो है ना एक हफ्ते तक का नोटिस दिया है आप लोगों को, क्या कहते हैं आप? एक तो बहुत कम दिया है, ना कुछ जगह दे रहे हैं, ना कुछ, कारोबार हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा कारोबार लाजमी बात है। तो इसका मुतबादिल आपने सोचा क्या करेंगे? बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, अकेले बेरोजगारी कम है और मजीद ये दुकानें टूटेंगी और लोग बेरोजगार। मैं 5 बच्चियों का बाप हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? ये भाई है बैठने वाले राजीव भाई है, माशाल्लाह 4 बच्चों का बाप हूँ। अब ये छोटी सी दुकान है मेरी, इसके अंदर मैं अपना रोजी रोजगार चला रहा हूँ। अब बताओ मैं ये कहाँ लेके जाऊँगा? मेरी आगे बिल्डिंग की दुकान, हमारे को इसका मुताबिक जगह भी तो मिलनी चाहिए ना। ये तमाम दुकानें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सारी की सारी जो है ना, ये टीवी पे दिखाने लाइव हो रहा है बोले बोले क्या हमें ही बर्बाद जब करते हैं, हमें ही बर्बाद करते हैं। अगर कोई वजह हमें जगह या कोई चीज हमारा करो तो जब देखो हमें हमारा नाम हमें क्यों परेशान किया हुआ है? नाले पे बनाए में आप दोबारा तोड़ने का किसको शौक है? नाले पर रहने का, नाले पर रहने का किसी को शौक है? हर किसी की ख्वाहिश है कि हम अच्छी जगह पर रहें, लेकिन मजबूरी में रह रहे क्या करेंगे?
एक जामिया मस्जिद फैज़ अत्तार, ये भी यहाँ पर जो है ना रास्ते में आ रही है। ये तमाम नोटिस जो ना इस नोटिस जो दिखाए मैंने आपको, ये सारे इस पट्टी के हैं जिसको जो कि दिए जा रहे हैं। ये अब फूलों की दुकानें आ गई हैं, सही है, ये फूलों की दुकानें हैं। फूलों की दुकानों के बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना कुछ मेवाजात लेके बैठे हुए हैं और फिर कुछ जो है ना रंग और रोगन वाले बैठे हुए हैं। ये सारी दुकानें जो है ना डिमोलिश की जाएंगी, इनको आज कौन सी चार तारीख है और आज 4 मई 2023 का दिन है, जुमेरात का दिन, ठीक है। और इनको नोटिसेस दिए जा रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना ये खाली करने का नोटिस है और इनको डिमोलिश करने का ऑर्डर है। तो काफ़ी यहाँ पर जो है ना दुकानें हैं, काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर बेरोज़गार हो जाएंगे और इनको नैमुल बदल भी दिया है या नहीं दिया, कुछ लोगों से हमने बात की और कुछ से हम अभी बात करेंगे। ये सारी दुकानें आप देख रहे हैं, सिंधी होटल की दुकानें हैं ये, नाला स्टॉप से लेकर अल्लाह वाली तक। तो दोस्तों ये थी वो दुकानें
जिनके ऊपर निशानात लगा दिए गए हैं और इनको नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं। एक हफ्ते का टाइम है और तकरीबन 1100 के करीब दुकानें हैं, और 1100 का मतलब है कई लोग जो है ना बेरोज़गार होना। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है ना पहले इनको नेमुल बदल देगी, उसके बाद जो है ना कार्रवाई करेगी। देखते हैं कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या करती है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं शफीक मोड़ से, ये 5 नंबर है शफीक मोड़ से अल्लाह वाली चौरंगी तक। अल्लाह हाफिज़।